हेलो भाई, रैली में आवाज जो है सो गूंजता है। बारिश हो गया, कैसा लग रहा है? मूड ऑफ हो गया, पूरा मूड ऑफ हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्षद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी शानदार है। आज मैं आप लोगों को गोल घर का जो हिस्ट्री है वो बताने वाला हूं और पार्क भी आपको घुमाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। गोल घर का पूरा जो है सो डिटेल्स में आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन जो है सो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। कब बना, कैसे बना और कब ये इसका काम कंप्लीट हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। 2022 में गोल घर आप लोग अगर आते हैं घूमने के लिए तो आपको क्या चीज़ का सामना करना पड़ेगा, हर चीज़ दिखाएंगे और गोल घर में आने के बाद आपको कैसा महसूस होगा वो फील करवाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल गोल घर के पार्क में मैं मौजूद हूँ, तो चलिए बाहर से स्टार्ट करते हैं, एंट्री गेट के पास चलते हैं और वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से टिकट लेना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, गोल घर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टिकट काउंटर है, टिकट घर भी लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है तो 10 रुपये का टिकट है और उसके बाद आपको चलिए लेकर के चलते हैं अंदर। ये मेरे हाथों में टिकट आप लोग देख सकते हो। चलिए अंदर आप लोगों को घुमाते हैं, उसके बाद आप लोगों को तो जैसे ही एंट्री करेंगे ना भाई, काफ़ी खूबसूरत वाला वाइब आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको नज़र आएगा गोल घर, ऐतिहासिक गोल घर आप लोगों को नज़र आएगा जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है सो एक पेड़ लगा हुआ है जो कि देख सकते हो आर्टिफिशियल पेड़ है, एक तरह से कह सकते हैं। इसके अंदर लाइटें भी लगी हुई है और ये आर्टिफिशियल पेड़ आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और देखने भी काफ़ी खूबसूरत है। इसके पत्ते भी जो है सो काफ़ी पूरे आर्टिफिशियल है, पूरे इसके अंदर LED लाइट लगे हुए हैं। और इसके आगे जो है सो वाटर पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा अंदर जाने के बाद, उधर चिल्ड्रंस पार्क भी है। सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। भाई मैं आप लोगों को थोड़ा गोल घर की बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके ये गोल घर का इतिहास क्या है। गोल घर बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गॉस्टिंग ने अनाज के ब्रिटिश फौज के लिए भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 को सम्पन्न हुआ था। इसमें एक साथ 14 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। इसका गोल आकार 125 मीटर है और बता दें और ऊंचाई जो है 29 मीटर है। सबसे खास बात इस गोल घर का यह है कि इसमें भाई कोई पिलर नहीं है और इसकी जो दीवारें हैं 3.6 मीटर मोटी है। गोल घर के शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गोल घर के शिखर पर 2 फीट 7 इंच का छेद अनाज डालने के लिए छोड़ा गया था जिसे बाद में भर दिया गया। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं जहां से इस शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है और गंगा के मनोहरी दृश्य को यहां से निहारा जा सकता है। पटना शहर की सबसे अच्छी और मनमोहर दृश्य गोल घर है। इसके ऊपर चढ़ने पर मनोहरी गंगा का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो भाई हम आए थे गोल घर घूमने के लिए और अचानक से बारिश हो गया और बारिश होने के कारण जो है तो मौसम थोड़ा सा सुहाना तो हो गया, लेकिन फिर भी लोगों का जो मज़ा है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। मैं आप लोगों को चलिए दिखाते हैं, बात करवाते हैं। पानी से बचने के लिए यहाँ पर सारे लोग हैं। और कैसा लग रहा है सर जी? सर पहली बार आए और आज ही बारिश हो रहा है। अच्छा पहली बार आए गोल घर घूमने के लिए? हाँ। कहाँ से आए घूमने के लिए? सर हम लोग गया से आए, बोध गया। अच्छा बोध गया से घूमने के लिए यहाँ पर आए सिर्फ गोल घर को देखने के लिए? गोल घर, गांधी मैदान, मरीन ड्राइव। अच्छा मरीन ड्राइव मैं पैन करूँ। और आप लोगों को कैसा लग रहा है? इससे पहले घूमने आए थे कि नहीं कभी? बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार आ चुके हैं। अभी बारिश हो गया, कैसा लग रहा है? मूड ऑफ हो गया पूरा। पूरा मूड ऑफ हो गया। तो देख लीजिए सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बारिश हो गया, सबका मूड ऑफ हो गया। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और मौसम तो खैर सुहाना हो गया है। और जैसे भाई लोग मिले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं सारे लोग और ये हमारा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर है ये अपने यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स है और सारे लोग जो है सो देखते हैं वीडियो, सारे लोग मिल गए, पहचान गए तो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सर आप लोगों का। भैया के धन्यवाद, भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 शुक्रिया भैया को, चैनल को फुल सपोर्ट हम लोग की तरफ से। थैंक यू सर। अभी गोल घर का जो है जो मेंटेनेंस का काम है वो अभी चल रहा है। सीढ़ी भी रिपेयर हुआ है? अच्छा वो हो रहा है। ये आप देख सकते हो जो सीढ़ी है उसको भी रिपेयरिंग किया जा रहा है। ये जो है जो क्षतिग्रस्त हो गया है, बरसात के पानी जब पड़ता है
तो आप देखो तो काफी पुराना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करूं, ऊपर से रिपेयरिंग होते हुए आ रहा है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो ऊपर से रिपेयरिंग होते हुए आ रहा है और ये 145 स्टेप है ऊपर चढ़ने के लिए। आप लोगों को मैंने बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद ना भाई, इसको देखने के बाद ना मतलब कुछ अलग ही फीलिंग आता है भाई, कैसे बनाया होगा इतना बड़ा सा। आपको देखने में काफ़ी भव्य लग रहा होगा, जो कि आप देख सकते हो। देख लीजिए एक दरवाज़ा, ये भी है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है सो आवाज़ जो है सो, अगर एक बार आप आवाज़ देंगे तो ये 27 से 30 मरतबा जो है सो वापस रिटर्न आता है। एक बार मैं भी आवाज़ इसके अंदर दूंगा। ये जो छोटा सा होल है, मैं थोड़ा सा आवाज़ देता हूँ। हेलो भाई साहब, रियली में आवाज़ साउंड वापस आ रहा है भाई। एक आवाज़ अगर हम दे रहे हैं तो काफ़ी सारा जो है सो आवाज़ जो है सो रिप्ले में आ रहा है। मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हो। हेलो, अभी तक आवाज़ गूंज रहा है भाई, आप लोग सुनने का कोशिश करना, मैं एक बार और ट्राई करूँगा। हेलो भाई, रियली में आवाज़ जो है सो गूंजता है और काफ़ी बार गूंजता है। मैंने भाई इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक बार अगर आवाज़ देता हूँ तो कई बार आवाज़ अंदर में गूंजता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो भाई काफ़ी मज़ा आ गया, इतना इसके हेलो बोला मैंने। इसके अंदर गुफा, अच्छा गुफा है। तो भाई इसके अंदर एक बार आवाज़ अगर देते हैं तो कम से कम कई बार, मतलब 30 बार तो आवाज़ नहीं आया, लेकिन 7-8 बार जो है सो आवाज़ गूंजा है मेरा, मैंने खुद इसको फील किया है। गोल घर का जो रिपेयरिंग का काम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन भाई इस गोल ऐतिहासिक गोल घर को लोग जो है सो ख़राब कर रहे हैं। दीवार जो आप लोगों को दिख रहा है, सब में देख लीजिए नाम वगैरह सब लिखा हुआ है, ये गलत बात है। इतना ऐतिहासिक चीज़ है, इसको जो है सो नाम नहीं लिखना चाहिए। ये मैं अपील करूँगा भाई, रिक्वेस्ट करूँगा भाई, इतना अच्छा चीज़, इतना ऐतिहासिक चीज़ को जो है सो लोग नाम लिख करके ख़राब ना करें। कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ, कहीं पे कुछ लिखा हुआ। इधर में एक और सीढ़ी है, मैं आप लोगों को इधर का भी तस्वीर दिखा देता हूँ। इसका भी देख लीजिए रिपेयरिंग का काम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अभी जो सीढ़ी है ना, उसको रिपेयरिंग कर दिया गया है। इधर में आप लोग तस्वीर देख पा रहे होंगे, उधर जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसका काम चल रहा है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट काम फाइनल हुआ है, लेकिन कुछ काम बचा हुआ है। फाइनल टच देना अभी भी बाकी है। ये गोल घर की सीढ़ी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि अभी बंद है, ऊपर जाने के लिए नहीं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पर अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर जो इसका रिपेयरिंग का काम हो रहा है, जो मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इधर में जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये रेड कलर का जो बालू आप लोगों को दिख रहा होगा, ये काफ़ी महंगा आता है और ये पहाड़ों में से निकलता है, अब पहाड़ों से आता है और उसको काफ़ी कॉस्टली होता है ये बालू, उससे रिपेयरिंग किया जा रहा है। यहाँ पर जो है सो वो लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। भैया ये बालू कहाँ से आया है? ये बालू झारखंड से आया है, ये झारखंड का बालू है। और ये बालू जो है सो इसमें क्या है, मतलब ये कौन सा बालू है, किससे कैसे बनता है? सुर्की है, सुर्की, सुर्की बोलते हैं इसको, काला चूना पर बन रहा है। अच्छा, सुर्की बोलते हैं इसको, पड़ता है केमिकल पड़ता है। अच्छा, केमिकल पड़ता है, उसके बाद ये तैयार होता है। और इसका मतलब मजबूती कैसा है? मजबूती बढ़िया है, बहुत मजबूत है। तो देख सकते हो आप रिपेयरिंग का जो बना हुआ है। अच्छा, गोल घर जो बना हुआ है उसी इसी बालू से बना है, तो गोल घर जो बना है इसी बालू से बना है और उसी बालू से फिर से इसको रिपेयरिंग भी किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप पार्क में आते हैं घूमने के लिए या शाम के टाइम में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आपको लेजर शो को भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गार्डन बना हुआ है, इसी गार्डन में लेज़र शो चलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। गार्डन है जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो गोल घर का दृश्य है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर देख लीजिए लोग जो है सो यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं, मतलब जो अगर रेस्ट करना रहे तो यहाँ पर भी लोग बैठ कर आराम कर सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आराम करते हैं। और सामने आप देख सकते हो बच्चे लोग जो है सो एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर झूले वूले का सब इंतजाम है भाई, 10 रुपये में अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये आप सब झूला वूला में झूल सकते हैं, बच्चे को भी इंजॉय करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग जो है सो बड़े लोग भी इसमें इंजॉय करते हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे तस्वीरों में बच्चे की जगह जो है सो बड़े भी जो है सो झूला में एंजॉय करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कहाँ का वीडियो देखना है और कौन सा हिस्टोरिकल पैलेस जगह आप लोगों को देखना है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।